खेतों तो दो तीन दिन हो गया, बारिश बहुत ज्यादा पै रही है, इस करके मक्की की इधर कटाई की थी। कटाई करके एक साइड से खाली जगह से मक्की दलिया जो भी रखिया थी, लेकिन बारिश की वजह तो बारिश बहुत ज़्यादा पई है, तो मक्की के नीचे पानी खराब हो गया और बहुत ज़्यादा खोपा हो गया। तो छलियाँ जड़ियाँ सी नीचे जम गई वो, और माशाल्लाह छलियाँ ने दोबारा अंगूरी मार ली है, इस तरीके इन्होंने फोड़ कर लिया, तो छलियाँ बच्चे बहुत ज़्यादा खराब हो गई हैं। तो इस तरीके अज माशाल्लाह धूप निकली हुई है, तो इस तरीके इन्होंने चुक चुक के इन्हों ने इस तरीके वट्टा बनावेंगे ताकि इन्होंने हवा लगे और इन्होंने धूप लगे। तो नीचे इस तरीके राह बनावे ताकि नीचे जी जमीन आ सुक जाए अच्छे तरीके के नाल। तो जे इस तरीके जमीन सुक जाए तो फिर इन्होंने दोबारा फैला देंगे। हाँ जी जी, तो कि कर दिया हम तुम दिखावे, ताे शेयर करा, मेरे चैनल लाइक और सबसक्राइब लाजमी करो जी। तो इस तरीके छलियाँ फैलाइया हुई थी, तो इस तरीके बारिश का पानी जरा वो छलिया के नीचे खड़ा हो गया और बहुत ज़्यादा खोबा हो गया। तो छलियाँ जड़ियाँ सगिया वो नीचे जम गई, बहुत ज़्यादा खराब हो गई जी इस तरीके के आहा। इस करके इन्हों हम चुक चुक के इन्हों एक सैल से रखा और नीचे धूप लगेगी तो इन्हों की जगह जी सुकावे। हाँ जी जी, तो कुछ इधरली साइड से इन्हों वट्टा बना लिया वा छलियाँ दियाँ, तो माशाल्लाह थोड़ी जी रह गई, तो हम इधरली साइड से बनावे नाल तुम दिखावे तेरे ना शेयर करा। तरीके जड़ियाँ उपर छलियाँ वा सेफली वह नीचे रखा, और नीचे जड़ियाँ छलियाँ सो इस तरीके खराब हो गई हैं बारिश के पानी के नाल नीचे जम गई। तो इन्हों उठावे इन्हों धूप से रखा ताकि ये ठीक हो जाए। हाँ जी जी, तो माशाल्लाह इधर सेफली करके इन्हों खड़िया कर दिता वा, इन्हों अच्छे तरीके धूप उपरों पवेगी तो यह अच्छे तरीके सुक जाने। हाँ जी जी, आ देखो बहुत ज़्यादा खराब हो गई, छली के जो दाने से यानी कि मकई के उन्हें दोबारा फोट कर लिया, क्योंकि बारिश की वजह तो यह जमीन के नीचे खुब गई सगिया और इस तरीके बहुत ज़्यादा खराब हो गई।
हाँ जी जी तो माशाल्लाह इस तरीके मकई दियां वट्टां बना रहे हैं और दरम्यान दे विच वट्टां बना के दरम्यान से जगह छोड़ रहे हैं ताकि धूप निकली है। धूप के नाल ही अच्छे तरीके नाल जमीन थलो खुशक हो जाएगी, सोखी होगी और फिर 2-3 दिन ठहर के मक्की जी इन्हें दोबारा फैलावेंगे। हाँ जी जी इस तरीके बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं नीचे छलियाँ, तो इन्हों बाहर निकालेंगे, निकाल के इन्हों ऊपर रखांगे ताकि ये अच्छे तरीके नाल सुक जान, खुशक हो जाए। जी जी तो इस तरीके इन्हों वट्टा बनाती वा और माशाल्लाह धूप अज काफ़ी ज़्यादा निकली आ, तो नीचे जमीन भी कुछ अठड़ गई, खुशक हो गई आ और छलियां भी इस तरीके धूप लग जूगी। बिच जाने के इन्ना इन्ना रास्ता रखिया आ और छलियां सुक जाएगियाँ इस तरीके और दरम्यान च जमीन जी वह भी खुशक हो जूगी, सुक जूगी, तो इस तरीके फिर छलियां जड़िया वा इन्हों इस तरीके इधर कर देंगे ताकि अच्छे तरीके नाल सुक जान। हाँ जी जी तो अज आए थे छलियां की सैटिंग करने क्योंकि छलियां बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो माशाल्लाह इन्होंने बन्ने बना के इन्होंने सैट कर दिता, तो हम धूप भी काफ़ी ज़्यादा निकली है, तो दरम्यान जमीन भी इन्हों की खुशक हो जाएगी, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा पानी बारिश का खड़ा है इन्हों के दरम्यान और जिते जिते पानी से माशाल्लाह छलियां उठा के तो इन्होंने साइड पर कर दिता ताकि अच्छे तरीके सुक जान। और साड़ी आज की वीडियो मिलेंगे हम तेरे अगली वीडियो से, दुआ से सूँ याद रखियो लाइक और सबसक्राइब लाजमी करो, कमेंट में दसो कि मेरी आज की वीडियो कैसी बनी है। अल्लाह हाफिज़।